गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, दिस लेक्चर वीडियो डी फ्रॉम सेकंड ईयर एंड सब्जेक्ट इज बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड चैप्टर इज विटामिन्स एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 10 एंड टॉपिक वी कवर इन द विटामिन्स विटामिन बी फाइव केमिस्ट्री एंड विटामिन B5 सोर्स and vitamin B5 deficiency and RDA. And I am Chandramohan Singh and my channel is Super Pharmacy. So let's start our video. Vitamin 5 को हम पेंथेनोइक एसिड कहते हैं और विटामिन 5 जो होता है वो कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम यानी कि इसका एक्टिव फॉर्म या कोएंजाइम फॉर्म जो होता है कोएंजाइम ए जिसको COA के नाम से जानते हैं एंड पार्ट ऑफ विटामिन B2 कॉम्प्लेक्स होता है एंड B5 इज द ग्रोथ फैक्टर एंड इज एसेंशियल फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैटी एसिड. तो ये वेरियस फैक्टर के लिए इम्पोर्टेंट होता है यानी शरीर में बहुत सारे रिएक्शन में भाग लेता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैटी एसिड को मेटाबॉलिज्म करता है और इसको हम पेंथोनेट या विटामिन B5 कहते हैं पेंथेनोइक एसिड को. और इसका खोज जो किया था रॉगर जे विलियम्स 1999 में. पेंथेनोइक एसिड इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें अमाइड और पेंथेनोइक एसिड और बीटा एनालाइन जो होता है कॉमनली पाया जाता है एल्कोहल एनालॉग के साथ. और इसका प्रो विटामिन जो होता है वो पेंथोनोन एंड कैल्शियम पेंथोनोएट होता है. आगे देखते हैं हम लोग तो इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर है पेंथेनोइक एसिड एंड बीटा एनालिन आपस में मिल करके अगर दोनों स्ट्रक्चर को मिला दिया जाए तो हमारा पेंथेनोइक एसिड बनता है. आगे हम लोग बात करते हैं इसका तो फंक्शन ऑफ विटामिन B5 का. तो पेंथेनोइक एसिड जो होता है हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन में काम करता है और एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करने में काम करता है. तो पेंथेनोइक एसिड अगर ब्रेकडाउन जैसे पहले मैंने बताया था कि फैट का ब्रेकडाउन करता है और कुछ कोलेस्ट्रॉल लेवल को ब्लड में हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है या एबनॉर्मल कंसंट्रेशन होता है फैट का लिपिड्स का जैसे LDL और ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं अगर वो ज़्यादा हैं तो उसको लोअर लेवल में लेके आता है या मेंटेन करता है ये पेंथेनोइक एसिड. लो लेवल ऑफ कोएंजाइम ए में प्रिवेंट द ब्रेकडाउन एंड क्लियरेंस ऑफ फैट इन द ब्लड. ब्लड के लो लेवल आपका कोलेस्ट्रॉल का बैड कोलेस्ट्रॉल को लाता है और क्लियर करता है फैट को. एंड एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है जिसके वजह से आपका लो ग्रेड इन्फ्लामेशन या हार्ट डिजीज होने से प्रिवेंट करता है. इसके काम थे और देखते हैं हम लोग तो इसका सोर्स क्या है. तो इसका बेस्ट सोर्स होता है बीफ चिकन ऑर्गन मीट्स फोर्टिफाइड सेरल्स एंड वेजिटेबल्स. तो ये सब में मिल जाता है आपका वेजिटेबल्स सब में मिल जाता है हम लोग खाना खाते हैं मैक्सिमम सब में मिलता है. डिफिशियंसी कोई खास नहीं होती है फिर भी हम देख लेते हैं जैसे अलग अलग फूड में अलग अलग वैरायटी के फूड में सभी फूड में लगभग मिल ही जाता है हमें और इसलिए इसकी डिफिशियंसी ज़्यादा होती नहीं है. फिर भी अगर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके वजह से पेंथेनोइक एसिड वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है बॉडी में तो उनको क्या हो सकता है. उनको हेडक हो सकता है फैटिगी हो सकता है इरिटेबिलिटी होता है रेस्टलेसनेस होता है डिस्टर्ब स्लीप होता है नोजिया वोमिटिंग स्टोमक क्रैम्प होता है नमनेस होता है बर्निंग सेंसेशन हैंड फीट
मसल क्रैम्प्स होते हैं, बस यही होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होता है और कोई नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में ये मिल ही जाता है। आगे हम इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, तो मेल्स में 5 ग्राम चाहिए, फीमेल्स में 5 mg चाहिए, और प्रेगनेंसी लैक्टेशन के दौरान हमें 6 to 7 mg चाहिए। हाइपर विटामिनोसिस देखते हैं, तो इसका हाइपर विटामिनोसिस नहीं होता, क्योंकि 10 ग्राम तक आप पर डे आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो डायरिया या माइल्ड डायरिया हो सकता है, पेट अपसेट हो सकता है, बस यही है। ये है आपका विटामिन B5। तो लेक्चर से जुड़े रहने के लिए थैंक यू, और आगे के लेक्चर के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल सुपर।